हेलो, वेलकम टू सोलफुल किचन। ये आप सभी पहचानते होंगे क्या है, मुंबई का स्पेशल वड़ा पाव। वैसे मुंबई नहीं, सभी जगह पसंद करते हैं लोग इसे। और तली हुई मिर्ची ये लोगे तुम? कुछ क्लिपिंग्स हैं, हमने बहुत फन किया इसको बनाते टाइम। एंड आई फील कि खाना बनाते टाइम हमें एंजॉय करना चाहिए कुकिंग को, तो खाने में टेस्ट अलग ही कुछ और आ जाता है। आज एक छोटी सी रेसिपी इसकी, छोटी सी इनफैक्ट थोड़ी सी बड़ी है, डिस्क्लेमर भी क्योंकि डाल देना इसमें काफ़ी प्लीज, सारी बिकॉज़ वी आर छोटी छोटी ट्राइंग चीज़ें थिंग्स बनानी है हमें। इन हॉट ऑयल। हमें इसमें गार्लिक की जो एक चटनी होती है वो बनानी है, और इसका ये बनाना है, वड़ा बनाना है, और फिर सबको असेंबल करना है। तो लेट्स स्टार्ट। चटनी बनाना है एकदम सिंपल, पहले बताती हूँ मैं आपको। 3 चम्मच कोकोनट पाउडर, ये ग्रेटेड मिलता है मार्केट में, या फिर आप घर में होगा ड्राई कोकोनट तो उससे भी कर सकते हैं। 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लेना है, थोड़ा सा 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, और 1/4 चम्मच सॉल्ट लेंगे, और थोड़ा सा 10-12 कलियां हमें इसमें लहसुन की डालकर, और इसको थोड़ा सा मिक्सर से चलाना है। अच्छा, इसे ज़्यादा नहीं चलाना, नहीं तो ऑयल निकलता है गार्लिक का और कोकोनट का, तो वो ज़्यादा चिपकी चिपकी हो जाती है। मोस्टली लोग इसमें हमारा वड़ा का जो ये निकलता है क्रंची पार्ट छोटा छोटा, वो भी डालते हैं। मैं आपको इजी मेथड बता रही हूँ कि ये चटनी आप बना लीजिए, बना के रख लीजिए, आप वड़ा पाव के अलावा और काफ़ी टाइम भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये है मिर्ची जो हमें तलनी है उसके साथ खाने के लिए, छोटा सा इसे कट लगा करके तलेंगे। सबको पता है कि इस तरीके से ये तेल से उड़ती नहीं है, मतलब एक्सीडेंटली आपको ऊपर कुछ हार्म नहीं होगा। तो ये रेडी करके रख लिया है, और उसके ऊपर जो हम कोटिंग करेंगे वड़े की, उसके लिए ये बेसन 1 कटोरी भर के पूरा बेसन लेना है, और इसमें बिल्कुल 1/4 स्पून छोटा चम्मच बिल्कुल कम हल्दी डालना है, और थोड़ा सा टेस्ट के लिए लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा इसमें सॉल्ट बिल्कुल कम ही रखते हैं, सॉल्ट इसमें करीब 1/2 चम्मच, आपका क्वांटिटी के हिसाब से 1/2 चम्मच हो जाएगा। और इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें पानी धीरे धीरे मिला करके मिक्स करते जाएंगे, एकदम से पानी नहीं डालना है, क्योंकि ये इसकी एक मोटी कवरिंग हमारे वड़े के ऊपर आनी चाहिए, इसीलिए एक थिक कंसिस्टेंसी का हमें ये घोल तैयार करना है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा मिक्स करना है पानी को, जैसे रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। ये मैं आपको जो रेसिपी बता रही हूँ इसमें करीब आप 13-14 वड़े आराम से बना लेंगे, 13-14 वड़ा पाव हो जाता है रेडी। इसमें बेसन भी पूरा 1 कटोरी भर के लिया हुआ है, सो दैट अच्छा थिक कंसिस्टेंट अपना वो तैयार हो जाता है। अब अंदर का जो हमारा आलू का मसाला रेडी करना है, उसके लिए 3-4 आलू मीडियम साइज़ के मैंने पहले ही बॉईल करके रेडी करके रखे हुए हैं, और अब इसका मसाला बताती हूँ। कढ़ाई गरम करने के बाद में 1 चम्मच तेल गरम कर लिया, और उसमें बारीक किसा हुआ 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाला, और बारीक कटी हुई हरी मिर्च एकदम बारीक काट लीजिए, या आप इसको पीस कर बारीक निकालना चाहें तो सब कुछ मिक्सर से भी निकाल सकते हैं, और थोड़े से कड़ी पत्ता। इसको हमें अच्छा सा एक ब्राउनिश कलर आने देना है, थोड़ा सा एक कच्चापन निकल जाए इसका, इस हिसाब से इतनी देरी से भून लेना है, करीब 3 मिनट 2-3 मिनट के अंदर अंदर ये रेडी हो जाता है। आँच मीडियम रखिए, एकदम हाई फ्लेम पे जल जाएंगी चीज़ें, और जैसे ही ये होने लग जाता है तो फ्लेम बंद कर सकते हैं। हाँ, इसमें हल्दी थोड़ी सी बंद करने के पहले थोड़ी डाल देंगे, करीब 1/2 चम्मच से थोड़ा कम, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर,
बस इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं यूज़ होते हैं वड़े में। और ये मिक्स करके इसमें हमें आलू को क्रश करके डाल देना है और बस इसे अच्छे से मिक्स करना है। और खूब सारा बारीक कटा हुआ धनिया, इसे बहुत ज़्यादा ही स्मैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है इसका। और करीब 1 से 1.5 चम्मच नमक डलेगा टेस्ट के हिसाब से, और ढेर सारी धनिया, मसाला मिक्स हो जाने के बाद में बस अब इसके ऐसे छोटे छोटे गोले रेडी कर लेते हैं, ताकि जब तलना चालू करेंगे तब हमारे ये रेडी रहेंगे और इसे हम फटाफट बेसन में डाल करके और तुरंत तलते जाएंगे। एक बार तेल गर्म हो गया उसके बाद में फिर तलने का टाइम नहीं होगा, तो हम वड़े एक साथ इसका मीडियम साइज़ का बना के रख लेंगे। अभी अगर आप बड़ा साइज़ आपके पास में पाव बड़े साइज़ के हैं तो आप बड़ा बनाइए, अदरवाइज़ ये साइज़ ठीक है। सब एक साथ बना कर रख लेंगे, थोड़ा सा सेटल हो जाएगा। आप चाहे अगर जैसे अगर कभी कभी कोई आलू ज़्यादा पतला हो जाता है, इससे ज़्यादा चिपकता है, तो हाथ में थोड़ा सा पानी लगा करके और तब बनाइए। और अगर कुछ टाइम है तलने में तो इसे फ्रिज में सेटल होने के लिए छोड़ दीजिए, वो आलू के क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि आलू कभी चिपचिपे लगते हैं या कभी एकदम ठीक होते हैं। अब ये जो हमने बेसन का लिक्विड रेडी करके रख दिया था सेटल होने के लिए, अब इसको बहुत अच्छे से और एक बार मिक्स करना है। और अभी इसमें हम डालेंगे गरम तेल, हम यहाँ खाने का सोडा यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह हम उसका सब्स्टिट्यूट 1 चम्मच एकदम गरम किया हुआ तेल डाल देंगे, उससे भी अच्छा सा क्रंच आ जाता है और हमें सोडा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये गरम किया हुआ तेल है 1 चम्मच के आसपास इसमें डाल दिया है मैंने, और इसे अच्छे से फेंट लेना है फिर से थोड़ा 10 मिनट सेटल होने के बाद में जब बनता है तो बहुत अच्छा हो जाता है। और ये हमारी कटी हुई मिर्चियाँ जो हमने रखी थी उसे तल करके रख लेते हैं, रेडी कर लेते हैं साथ में सर्व करने के लिए। बस ये गर्म है तेल तो ये जल्दी से हो जाती है, डाल के तुरंत निकाल दीजिए इसे और हल्का सा इस पर नमक छिड़क दीजिए। बस अब इसमें हमें आलू का जो हमने ये रेडी किए थे बॉल्स, उन्हें इसमें डाल करके अच्छा सा कोटिंग करके और फिर गरम तेल में डालना है। तेल पहले गरम कर लेना है, फिर उसे मीडियम आंच पे टेम्परेचर को रख के और तब फिर वड़े डालने हैं, एकदम ठंडे तेल में भी नहीं डालना है। तो ये एक साथ तैयार कर लिया है और अब मैं इसे साधारण, आप जितना तेल और जितनी बड़ी कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से वड़े डालिए। ऑलमोस्ट तेल में डूबने चाहिए, बहुत ज़्यादा कम भी होगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी इसे तलने में। और ये इसके अलावा जो बेसन का आप छोटा छोटा देख रहे हो भजे जैसा जो और एक्स्ट्रा इसमें छूट रहा है तेल में, वो बनने दीजिए, उसको ही हम वड़े में साथ में क्रंच जैसा क्रश करके वड़े में साथ में डालेंगे, तो वही है वो बहुत अच्छा टेस्ट लाती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया चटनी बनाते टाइम भी लोग इसे को चटनी बना लेते हैं क्रश करके, तो भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसे मीडियम आंच पे हल्का गोल्डन होने तक तल लेना है। तो बड़े तैयार हो गए हैं, अब इसे रेडी करते हैं हम। इसमें हमने पाव को बीच में से कट कर लिया और इसमें हमें अपनी जो रेड
चटनी बनाई थी हमने लहसुन की, वो लगानी है सबसे पहले। अभी यहाँ पे आपके पास में अगर ग्रीन चटनी हो तो आप वो भी लगा सकते हैं, अच्छी लगती है वो भी। मैंने आज नहीं बनाई है वो, आपको मैं नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। और ये बड़े हैं उसमें डाल दिया, और साथ में जो हमारा क्रंची पार्ट जो इसमें साथ में तल के रेडी हुआ था वो भी डाल दिया है, और मिर्ची के साथ में सर्व कर। बस अब इसके आगे बोलने का कुछ काम नहीं है, अभी से खाना है और बनाइए घर पे और खा के देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती हो हमारी तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।